राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शनिवार दोपहर को दूसरी पारी में आयोजित की गई वन रक्षक भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई है। बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद ने इस संबंध में रविवार रात को निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि इस दूसरी पारी की परीक्षा अब जल्द ही दोबारा आयोजित की जाएगी। उनका कहना था कि राजसमंद पुलिस की ओर से 12 नवंबर को दूसरी पारी में आयोजित की गई भर्ती परीक्षा के पेपर के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमे और SOG से प्राप्त सूचना के आधार पर पेपर लीक होने की संभावना होने से बोर्ड ने परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए 12 नवंबर को दोपहर की पारी में वन रक्षक सीधी भर्ती की दूसरी पारी का पेपर निरस्त कर दिया है। गौरतलब है कि 2300 पदों के लिए वन रक्षक भर्ती परीक्षा के 12 नवंबर के दूसरी पारी की आंसर शीट शनिवार को पेपर शुरू होने से पूर्व ही राजसमंद के रेल मगरा थाना क्षेत्र में वायरल हो गई थी, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने करौली के दीपक शर्मा को हिरासत में लिया था। दीपक ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि दौसा से लालसोट क्षेत्र के गांव अजयपुरा में हेमराज मीणा ने उसने पेपर लिया था। पुलिस की स्पेशल टीम ने परीक्षा देकर लौटते वक्त मोबाइल लोकेशन ट्रेस के आधार पर लालसोट रेलवे स्टेशन के पास से हेमराज मीणा को दबोचा। दौसा के PG कॉलेज में हेमराज का सेंटर आया था। हेमराज ने परीक्षा शुरू होने के साथ ही आंसर शीट भेजने की बात स्वीकार की है। कोतवाली पुलिस हेमराज से भी पूछताछ कर रही है।